केजरीवाल जी हमें मिले, हमसे बड़े प्यार से मिले, बहुत रिस्पेक्ट से मिले और उन्होंने कहा हम आपकी पिक्चर के लिए जो कुछ भी हो सकता है सब कुछ करेंगे, आप ध्यान रखिए, अपना इंतजार थोड़ा कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। बीरबल सर, अंत में लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप आज़ादी से पहले के हमारे देश के नागरिक भी हैं, अपने देश को भी यहाँ तक आते हुए देखा है, बॉलीवुड को भी कहाँ से आपने कहाँ तक आते हुए देखा है, इन दोनों के बारे में मिला जुला सरकार को, आज मोदी सरकार को बॉलीवुड के लिए और देश के लिए, देश जिस जगह वहाँ कहाँ देखना चाहते थे, इन दोनों को आज देश को क्या वहाँ पाते हैं और क्या कहना चाहेंगे देश की सरकार को और बॉलीवुड? देश की सरकार को हम लोगों को इतना एंटरटेन करते हैं, हमारा भी ख्याल करना चाहिए। और जब हम हमारे जैसे एक्टर जो बूढ़े हो जाते हैं उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि पहले जो फिल्मों में कल्चर आता था वो प्योर इंडियन आता था, इंडियन कल्चर, उसमें स्टोरी होती थी, कहानी होती थी। और आज भी लोग पुराने गानों को ही सुनते हैं, नए गाने थिएटर से बाहर निकलते ही लोग भूल जाते हैं। और हमें चाहिए कि हम अपना जो इंडियन कल्चर है उसको अपनाएं। बस सरकार से कहेंगे आप सबका ख्याल करते हैं, हम लोगों का भी ख्याल करो कुछ। तो ये थे बीरबल सरकार, मोदी सरकार को डायरेक्ट क्वेश्चन है कि काफी मुसीबत में हैं देश के कॉमेडियंस, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।